हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के उपलक्ष में मंगलवार को स्थानीय महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में सेमिनार एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपायुक्त डॉक्टर मणिराम शर्मा ने दीप जलाकर के किया। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। पलवल उपायुक्त ने सेमिनार एवं गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सामाजिक समरसता पर बल दिया, समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को एक मजबूत संविधान दिया और उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि आगामी 12 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव में सभी मतदाता मतदान अवश्य करें तथा अपने आसपास के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं ताकि डॉक्टर अंबेडकर के मजबूत भारत के सपने को साकार किया जा सके। सबसे बड़ा भी है तो मैंने यही देखा कि उन्होंने निश्चित रूप से सामाजिक समरसता पर बल दिया था और भारतीयों की समस्या का हल भारतीयता में निकाला था। भारतीय संविधान में भी इस तरह के प्रावधान किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से जो आज की राजनीति है उसमें हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से अंबेडकरवाद को घुमा के ले रहा है और इस तरह सामाजिक समरसता के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा किया जा रहा है, उचित नहीं महसूस होता मुझे, क्योंकि इस बात को बड़ी खूबसूरती छुपा दिया जाता है कि किस तरह से अंबेडकर किसी भी तरह की ब्राह्मण या उच्च जाति के विरुद्ध न होकर के तथा ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, जो अपने और एलिटिस्ट क्लास की भावना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होकर के दूसरों को हीन भाव से देखता है। जाति विशेष के अंदर वो विरोधी होते, जाति विशेष के अंदर वो विरोधी होते अंबेडकर, तो कभी भी वो अपने नाम में सरने अंबेडकर नहीं जोड़ते जो उनके गुरु का नाम था और वो गुरु अंबेडकर ब्राह्मण जाति का ही था, लेकिन उन्होंने अपने ब्राह्मण गुरु को सम्मान देने के लिए अपना सरने ब्राह्मण जोड़ा, वो अंबेडकर जोड़ा। इसी तरह उन्होंने जब देखा कि भारत में जातिवाद की समस्या तभी हल हो सकती है जब अंतर जाति विभाग बनते, तो उन्होंने अपनी शादी की ब्राह्मण परिवार की लड़की से की थी। इस तरह से उन्होंने यही कहा था कि दलितों में भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो जीवन संघर्ष में उच्च पदों पर आगे बढ़ गए, वो खुद उच्च सिंहासन पर पदस्थ होकर के अपने ही समाज के अपने ही जाति के लोगों को बड़े ही भाव से देखते हैं। यही ब्राह्मणवाद है जिसको विरोध करना चाहते थे। अदरवाइज किसी भी जाति विशेष को टारगेट करके अंबेडकर ने कभी कुछ नहीं कहा। उनको अत्यंत गरीबी के बावजूद अगर उनको इंग्लैंड में पढ़ाया गया और बहुत कुछ मदद की गई, तो वो भी साहू महाराज छत्रपति वो भी क्षत्रिय थे जो उन्होंने भी कदम कदम पर मदद की थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कि हम किसी भी तरह से एक दूसरे की जाति को टारगेट ना करें बल्कि उस मानसिकता को टारगेट करें जो उसी जाति में उसी परिवार में रहने के बावजूद एक दूसरे को हीन भाव से देखिए भेदभाव का शिकार बनाती है, उसके अंबेडकर विरोधी थे ऐसा मैंने महसूस किया, ऐसा मैंने पढ़ा। इसके साथ ही ये कहना चाहूँगा कि अब जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं ये अनुभव भी करूँगा, क्योंकि 12 मई को वोट डाले जा रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर प्रजातंत्र के सबसे बड़े समर्थक थे, तो अगर आप डॉक्टर अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके पथ पर चलना चाहते हैं, तो ये शपथ लो कि आपके परिवार का जो भी इन जीवन वोटर है वो 12 मई को गर्मी की परवाह किए बगैर, क्योंकि 12 मई को हो सकता है टेम्परेचर 45 डिग्री हो, 48 डिग्री हो सकता है और 12 मई की गर्मी में घर से बाहर ना निकले, अगर आपके परिवार से एक भी
वोटर ने वोट नहीं दिया तो माना जाएगा कि आप अम्बेडकर के एक और सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि अम्बेडकर लोकतंत्र के सबसे बड़े पुजारी थे और उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार हमारे पलवल जिले में 12 मई को मनाया जाना है। तो मैं आपसे बातों अनुरोध करूंगा कि आप अपने परिवार के जो बच्चों का तो वोट नहीं बना होगा 18 साल में, वो कुछ नहीं हुई उम्र, लेकिन जिन बच्चों के परिवार में मम्मी पापा बड़े भाई बहन वोट देने लायक हैं उन सभी से आप